वेलकम टू कैरियर हम सफ़र सफ़र कामयाबी तक। तो फ्रेंड्स, हम लोग विभिन्न एग्जाम्स को देखते हुए घटनाचक्र पॉइंटर से कवर कर रहे हैं इंडियन पॉलिटी को, और ये इंडियन पॉलिटी का है वीडियो नंबर 3। और इसके पहले की जो दो वीडियोस आई, जिसके अंतर्गत हमने संवैधानिक विकास, संविधान सभा, महत्वपूर्ण अनुच्छेद, अनुसूची, इन सब से संबंधित प्रश्नों को कवर किया था। वीडियो नंबर 2 के अंतर्गत मैंने आपको उद्देश्य का प्रस्ताव भाग 1 एवं संविधान की जो विशेषता है इसके संदर्भ में बात किया था। अब इस वीडियो के अंतर्गत हम जानेंगे तीसरे वीडियो और तीसरे नंबर भाग के बारे में हम जानेंगे, है ना। वीडियो को छोटा ही रखने का प्रयास करते हैं, नहीं तो ज़्यादा मैं मीन्स इस्टीमेट तो लेकर करके चलता है, लेकिन वीडियोज लंबी हो जाती है ना। तो इस वीडियो के अंतर्गत हम मूल अधिकार के बारे में जानेंगे। चलिए तो हम शुरू करते हैं। अब देखिए, सबसे पहली बात कि मूल अधिकार है क्या। तो मूल अधिकार एक ऐसा अधिकार है जो आपको संविधान के तहत दिया जाता है, और इसे है जो आपसे कोई नहीं छीन सकता है, है ना। आपातकाल में कुछ मूल अधिकार हैं जो निलंबित होते हैं, वह तो बात की बात है, लेकिन यह आपका अधिकार है, और इसके तहत संविधान में, मूल संविधान में भारत के नागरिकों को 7 प्रकार के अधिकार दिए गए थे। कितने प्रकार के? 7 प्रकार के अधिकार दिए गए थे। शब्द पे ध्यान दीजिएगा, 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे, और वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। और यह कौन से भाग में है, कौन से भाग में है? तो यह भाग 3 अनुच्छेद, याद रखेंगे 12 से लेकर करके, 12 सी आई 36 नहीं, एक घटा दीजिएगा, यानी 12 से लेकर करके 35 तक, 12 से लेकर कर करके 35 तक कुल इस जगह पे मौलिक अधिकार दिए गए हैं। और याद रखेंगे कि यह कहाँ से लिया गया है, तो यह अमरीकी संविधान से, यानी यूएस के संविधान से लिया गया है, यानी यूएसए से लिया गया। क्या क्या हमने फैक्चुअल डिटेल बोला इसके अंतर्गत, कि हमारे संविधान के भाग 3 के अंतर्गत 12 से मूल अधिकार 7 थे, अब वर्तमान में कितने हैं, 6 हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें संशोधन हुआ है, और इसके लिए संशोधन हुआ तो क्या किया गया था, आपका 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा, कौन सा बोला, 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार, जो कि अनुच्छेद 19 के एफ एवं अनुच्छेद 31 में था, इसे मौलिक अधिकार से हटा दिया गया, और इसे आपका अनुच्छेद 300 के क में क्या कर दिया गया, रख दिया गया, और यह मौलिक अधिकार नहीं, यह इसे अब कानूनी अधिकार बना दिया गया। चलिए, तो इतने पॉइंट्स क्लियर हो चुके हैं, यानी हम अब आगे जानेंगे कितने मौलिक अधिकार के बारे में, 6 मौलिक अधिकार के बारे में जानेंगे। 7वां जो संपत्ति का अधिकार है, हमने बोल दिया कि आपको हटा दिया गया, इसका चर्चा 19 के एफ में और अनुच्छेद 31 में था। 31 वाले लोग याद रखते हैं, लेकिन 19 का एफ नहीं याद रखते हैं, तो इसे आप याद रखेंगे। चलिए अब देखिए, तो मूल अधिकार के संदर्भ में हम बात करेंगे अनुच्छेद 12 से 35 के संदर्भ में, तो जो उसके बेसिक्स पॉइंट्स थे हमने आपको बतला दिया। अब देखिए, यहाँ पे सही कथन से संदर्भित बात यहाँ पे करी गई है। अच्छा, 6 मौलिक अधिकारों की हम पहले चर्चा कर ही दें, ताकि यह आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो। तो 3, 2, 5, 1, 6 हमने बताया। सबसे पहले अनुच्छेद 14 से 18, है ना, 14 से 18, यह है आपका क्या, विधि के समक्ष समानता का अधिकार, यानी समानता का अधिकार हो गया। 19 से लेकर के 22 स्वतंत्रता का अधिकार होगा। 23 से 24 आपका, 23 एवं 24 जो होगा वह है शोषण के विरुद्ध अधिकार। 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता, और 29-30 है जो आपका शिक्षा का अधिकार, है ना, और उसके बाद है जो आपका इन सब का संरक्षण करने के लिए अनुच्छेद 32 आता है, है ना, यानी 32 आ जाता है। यानी अब इसके लिए सबसे पहली बात हमने किया कि समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता, शिक्षण का हो गया, और शिक्षा का शिक्षण का उपचार, और यहाँ पे संवैधानिक उपचार हो जाएगा अनुच्छेद 32 में। इस प्रकार से चीज़ें याद हो गई, है ना। वीडियो को पॉज कीजिए, थोड़ा सा रिमाइंड कीजिए, 14 से 18, फिर 19 से 22, कॉपी पे लिखिए ना आप इस प्रकार से, 14, 18, है ना, 19, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 एवं 32। सबसे पहले समानता का अधिकार, उसके बाद है जो समानता का अधिकार, उसके बाद है जो आपका स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, 25 से 28 आपका हो गया क्या, धार्मिक स्वतंत्रता, और शिक्षण का अधिकार हो गया, है ना, और उसके बाद लास्ट में संवैधानिक उपचार। अब इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बता रहा, है ना, आप याद रखेंगे इसे, समान तंत्र, समान तंत्र पर शोध कर, है ना, शोध कर शिक्षा का उपचार किया, शोध आप ये वाली नहीं,
और दंती सिंह तालाबे पर लिखेंगे, शिक्षा का उपचार किया, शिक्षा का उपचार किया। इस कोर्स से आपको याद रहेगी चीज़ें, पहला स से समानता, स्वतंत्र से यानी स्वतंत्रता, उसके बाद सो से शोषण हो गया, टी से आपका शिक्षा, उसके पहले ध से क्या हो गया, धार्मिक, धार्मिक स्वतंत्रता, और उपचार यानी सैद्धानिक उपचारों का अधिकार। इस प्रकार से आप चीज़ों को याद रखेंगे। इसे आप कॉपी में जरूर दोस्त नोट डाउन कीजिए, नहीं तो आप भूल जाएंगे, है ना। मैं बार बार बोलता, यदि आपके पास PDF आपने निकलवाया है तब तो काफ़ी बेहतर है। मैंने PDF टेलीग्राम पे पहले ही बताया कि आपको अपलोड कर दिया गया है, पूरा PDF है जगह पे। आगे जरा देखिए, अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम क्वेश्चंस को समझने का प्रयास करते हैं। अब देखिए, सही कथन है तो भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट ने समर्थन किया था। यह बातें दोस्त सही है, और 1931 के कराची अधिवेशन हुआ था, उसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल ने यह बोला था कि भारतीयों को मूल अधिकार मिलना चाहिए। कब? 1931 में इस बात को कही गई थी। तो याद रखेंगे कि भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 जो था उसने इसका समर्थन किया था। आगे देखिए, संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है। तो मौलिक अधिकार कितने होते हैं, और इसके तहत यानी सभी मौलिक अधिकार जो हैं आपको दिए गए हैं, उससे अनुच्छेद 32 अभी देखा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उसके तहत सर्वोच्च न्यायालय और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय को है जो क्या, रीट जारी करने की शक्ति है। यानी कहने का मतलब है कि यदि आपका मौलिक अधिकार का हनन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट या कहाँ, हाई कोर्ट क्या कर सकते हैं, जा सकते हैं। और इसे लागू करने का शक्ति किसे दिया गया है, आपको सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय को दिया गया है, डायरेक्ट आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं, है ना। चलिए आगे जरा देखिए, और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जा सकते हैं, इसका मतलब क्या है कि मौलिक अधिकार जो है आपका बाध्य योग्य है ना, जो न्यायालय में जो भी मामला जा सकता है वो बाध्य योग्य होता है। मौलिक अधिकार आपातकालीन स्थिति में क्या किए जाते हैं, निलंबित किए जाते हैं, जो कि हमने पहले भी बोला था दोस्तों कि यह है जो एक ऐसा अधिकार है जिसको आपसे कोई नहीं छीन सकता है, लेकिन आपातकाल की स्थिति में यह है जो निलंबित कर दिए जाते हैं। जिस प्रकार से अभी वर्तमान में आपको अनुच्छेद 19 आपने पढ़ा है, तो यह जो लॉकडाउन की जो समस्याएं हैं इसके साथ क्या है, तो भारत में अनुच्छेद 19 का जो एक यानी दो है, आपको बोलने की स्वतंत्रता तो है एक के तहत, लेकिन अनुच्छेद 2 के तहत आपको सभा करने की स्वतंत्रता है बिना अस्त्र शस्त्र के, लेकिन क्या अभी आप सभा कर सकते हैं, नहीं। तो यह एक प्रकार से मतलब ये लॉकडाउन में आपका मौलिक अधिकार क्या हुआ, इस जगह पे हनन इस जगह पे हो रहा है, लेकिन परिस्थिति कुछ ऐसी बनी हुई है जिसे समझदारी के साथ समझा जा सकता है। अब देखिए, तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक, तो 12 से लेकर 35 तक आपको मौलिक अधिकार दिए गए हैं। आगे देखिए, तो भारतीय संविधान में आपका विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है, यानी विधि के समक्ष वही समानता वाली बात है, अनुच्छेद आपका कौन सी है, 14 है। समानता का अधिकार अभी हमने बताया दोस्तों कि कहाँ से कहाँ तक है, तो समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, अतः 14 हो गए, 15 हो गए, 16 हो गए, 17 हो गए, कौन हो गए, 18 हो गए। आगे देखिए, शिक्षण संस्थाओं में इसमें गैर सरकारी और गैर अनुदान प्राप्त पंडित है, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए आरक्षण की आगे जगह देखिए, अगली बात है, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में समान आधार निर्मित निर्मित करने के उद्देश्य से राज्य असमान लोगों के लिए भिन्न व्यवहार कर सकता है। ये सही है ना, इसी के तहत तो आरक्षण आपको दिया जाता है, और समान लोगों में जिसकी समान होगी और समान रूप से जाएगी, ये दोनों बातें क्या हैं, सही है। एक बातें 14 में, दूसरी बातें मुझे 15 में वर्णित किए गए हैं। जैसे इसके तहत क्या है कि समान लोगों में यहाँ पे कहा जा रहा है समान विधि, जैसे एक एक मान लिया कि हम सब हो गए जो कि मीन्स 22 साल के आसपास के हैं, और एक है जो क्या है छोटा सा बच्चा है, तो दोनों के लिए समान प्रकार के नियमें मीन्स लागू हो सकेगी दोनों प्रकार की। जैसे आप जानते हो कि 14 से कम उम्र के बच्चे यदि कहीं काम करते हैं तो यह क्या हो जाएगा आपका, मतलब बाल श्रम के अंतर्गत आ जाता है। तो कहने का मतलब है कि एज फैक्टर भी इस जगह पे है, और उसके अकॉर्डिंग है जो मौलिक अधिकार को भी क्या किया जाता है, लागू किया जाता है। आगे देखिए, संवैधानिक प्रावधानों को संघीय संसद और राज्य विधान पालिकाओं के द्वारा बनाए गए नियमों पर क्या दी जाएगी, प्राथमिकता दी जाएगी। क्या बोला गया है, संघीय संसद राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों पर प्राथमिकता दी जाएगी, अर्थात राज्य भी बनाता है कानून,
संघ भी बनाता है, लेकिन वरीयता फिर किसको दिया जाएगा? संघ वाले को। अनुच्छेद 13 भी हमारा कहता है, आगे जरा देखिए, संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य संविधान की सर्वोच्चता को क्या करना है? सुनिश्चित करना है। और ये किसके संदर्भ में है सुनिश्चित करना? तो यह है जो मौलिक अधिकार के संदर्भ में है, यानी है जो कोई भी नियम कानून संसद के द्वारा यह बनाया जाता है, तो इसके तहत जुडिशियल रिव्यू की भी बात यहाँ पे करी गई है। अनुच्छेद 13 के तहत किया जाता है कि कहीं मौलिक अधिकार का हनन तो नहीं हुआ है किसी के मौलिक अधिकार का, यानी आपने जो नियम कानून बनाया है संसद में, तो यह है जो किसी के मौलिक अधिकार पे आक्षेप तो नहीं पहुंचाता है, इस बात की चर्चा अनुच्छेद 13 के तहत करी जाती है। आगे जरा देखिए, तो भारतीय संविधान में सर्वोच्च स्वतंत्रता का अधिकार आपका 4 अनुच्छेदों के द्वारा किया गया। तो अभी किया था समानता का अधिकार 14 से 18, उसके बाद है जो आपका स्वतंत्रता का अधिकार, ट्रिक बताया ना, 19 से 22 के लिए, यानी कहने का मतलब स्वतंत्रता का अधिकार है, तो 19 जोड़ेंगे 20 जोड़ेंगे 21 और 22, ये 4 अनुच्छेद तो हैं ही। चलिए आगे जरा देखिए, भारतीय न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार निगमन करने हेतु सक्षम किया है, यह है जो आपका संविधान के प्रस्तावना में प्रयुक्त कौन सा शब्द है? समाजवादी शब्द। उसके बाद है जो आपका अनुच्छेद 14 जो कि कहता है क्या, समानता का अधिकार, और साथ ही बात किया गया है अनुच्छेद 16 के साथ, यानी कहने का मतलब है कि तीनों को सम्मिलित कर कर करके मौलिक अधिकार बनाया जा सकता है समान कार्य के लिए समान वेतन, लेकिन यह आपका DPSP के अंतर्गत है, 39 अनुच्छेद के अंतर्गत यह आता है, है ना, 39 का आपका ग हो जाएगा। आगे जरा देखिए, धर्म आदि के आधार पर विभेद प्रतिषेध है, क्योंकि आपका क्या है, धर्म आदि के आधार पर, धर्म, लिंग, वंश, मूल, जाति, इसके आधार पर आप विभेद नहीं कर सकते। जैसे बाहर क्षेत्रों में क्या बोला जाता है, किसी को हिंदी भाषी क्षेत्र है कि यह भाषा के आधार पे, मतलब मराठी लोग या फिर तमिल वाले लोग क्या करते हैं, विभेद करते हैं, उसी प्रकार से और भी लोग हैं जो मीन्स कोई किसी को ST के रूप में, किसी को ST के रूप में, यानी जाति के रूप में, यह है जो प्रताड़ित किया जाता है। तो यह है जो इसका क्या है, हमारा संविधान है जो निषेध करता है किसी को आप प्रताड़ित, धर्म, लिंग, वंश, हिंदू मुस्लिम के आधार पर किसी को आप नहीं कर सकते हैं, है ना। तो बस हमारी एक ही जाति है और वह क्या है, ह्यूमैनिटी, और वह इंडियन की है, है ना, इंडियन ह्यूमन की इस जगह पे हमारे पास इस क्षेत्र में पहचान है। आगे जरा देखिए, तो यह समता के अधिकार के यह क्या है, अधीन है, जो कि समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से कहाँ तक है, आपका 18 तक। आगे देखिए, भारतीय संविधान में समता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक दिया गया है, तो 5 अनुच्छेद हैं, जबकि स्वतंत्रता वाले में 4, तो ये सभी संख्या पूछ लिए जा सकते हैं, तो आप वहाँ पे गलती मत करना, 14, 4, 18 मत कर देना भाई, 14 से इंक्लूड करना है, है ना, 15, 16, 17 और 18, है ना, 14 इंक्लूड नहीं होता तब 4 हो जाते, तो घटाने वाले में काफ़ी लोग गलती कर दिया करते हैं, तो 5 याद रखेंगे। आगे देखिए, भारतीय संविधान में जैसा निहित है समानता के मौलिक अधिकारों में सम्मिलित है, तो कानून के समक्ष समानता, सामाजिक समानता और अवसर की क्या, समता, अवसर की समता, अवसर की समता के तहत ही क्या दिए जाते हैं, सबको, सबको क्या दिए जाते हैं, आरक्षण दिए जाते हैं। आगे देखिए, बच्चों के शोषण, जिसे हम बाल श्रम वाली बात कहते हैं, बाल श्रम कहे तो अनुच्छेद 24, और बलात्श्रम कहे ना, जैसे आप सुने होंगे कूड़ा ढोना और भी मिस गंदगी वगैरह ढोना, इन सब के लिए, और किसी प्रकार की मतलब उन निगेटिव जो चीज़ें हैं, तो उसे बलात्श्रम के अंतर्गत रखा जाएगा, और अनुच्छेद वह 23 में है, बलात्श्रम 23 और आपका अनुच्छेद 24 के तहत बाल श्रम है, है ना, किसी को आप जबरदस्ती, मतलब यह ऐसा सुना है ना आपने, बंधुआ मजदूरी टाइप का, यही है आपका बलात्श्रम, अनुच्छेद 23। चलिए आगे है, ICCPR के अनुच्छेद कितना में बाल अधिकार को सुरक्षित किया गया है, तो बाल अनुच्छेद को सुरक्षित किया गया है, किसे, बाल अधिकार को सुरक्षित किया गया है किसके तहत, अनुच्छेद 24 के तहत। अगला देखिए, अस्पृश्यता कांत, अस्पृश्यता कहने का मतलब छुआछूत, छुआछूत आपका किसी से, आप जैसे पहले मीन्स क्या होता था, हरिजन लोग से, मीन्स देखे होंगे आपने अपने गांव घर में देखा होगा कि थोड़ा सा विभेद किया जाता है, अभी भी किया जाता है, लेकिन किया नहीं जाना चाहिए, अब तो खैर काफ़ी हद तक इसमें इम्प्रूवमेंट आई है, और लोग हैं जो काफ़ी मतलब लोगों की मानसिकता बदली है इसके प्रति, है ना, तो अस्पृश्यता का अंत यानी छुआछूत वाली बात है, तो अनुच्छेद आपका 17 है, इस बात का ख्याल रखेंगे, है ना। आगे जरा देखिए, न्यायालय उपधारित कर सकता है कि अपराध गठित करने वाला कोई कृत अस्पृश्यता के आधार पर किया गया है, यदि ऐसा अपराध के संदर्भ में किया जाए तो आपका अनुसूचित जाति के सदस्य के लिए किया गया है। आप देखे होंगे कि
एक इन लोग के लिए कोर्ट भी बनाया गया है ना, कि उस आधार पे हमें क्या मतलब प्रताड़ित किया गया है। लेकिन अभी मतलब केस यह देखा गया कि इनका गलत इस्तेमाल भी हो रहा था, है ना। चलिए, भारत में अस्पृश्यता का निवारण निम्न उपायों से किया जा सकता है, तो कानून बनाकर कर कर करके कर, शिक्षा की उन्नति के द्वारा और जन जागरण के द्वारा, यानी कहने का मतलब जागरूकता को बढ़ा करके, तो कानून भी बनाया गया, शिक्षा की उन्नति और लोगों के बीच अब जागरूकता बढ़ भी रही है ना, उन्हें समाज के मुख्य धारा से जोड़ने की बात भी, मीन्स काफ़ी बेहतर तरीके से विभिन्न प्रकार के आरक्षण देकर कर करके, सुविधाएं देकर कर करके की जा रही है, जो कि एक अच्छी बात है। आगे जरा देखिए, मद्रास राज बनाम दो दो राय राजन, है ना, 1951, यह याद रखिएगा, 1951 ईयर भी पूछ लिए जाते हैं। मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय में परिणाम स्वरूप जिस मौलिक अधिकार को संशोधित किया, वह भेदभाव के विरुद्ध अधिकार वाले थे, है ना, भेदभाव के विरोध अधिकार वाले को दो राजन वाले में आपका क्या किया गया था, सुधार किया गया था। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अर्थात SC ST के मौलिक मौलिक सामाजिक आर्थिक राजनीतिक एवं सांस्कृतिक अधिकार दिया गया, तो यही अनुच्छेद 17 के अंतर्गत दिया गया, क्योंकि जो हमारे विद्वान कौन थे, भीमराव अंबेडकर, वह है जो उन्हें भी काफ़ी इस चीज़ का मीन्स दंश झेलना पड़ा था। किस चीज़ को, छुआछूत, आपने पढ़ा होगा, हम लोगों ने भी पढ़ा था, किस चीज़ में मतलब एक बचपन में कहानी भी पढ़ा था, और उन्हें है जो कुआं पे भी पानी नहीं पीने दिया जाता था, तो समझ सकते हैं कि कितनी ख़राब बात है एक मानवता के लिए। और इन चीज़ों को वह जानते थे कि आगे आने वाले समय में यह जो ऐसे नहीं जाएगा जब तक कि उसे मौलिक अधिकार यह नहीं दिया जाए। हम सब मानव है भाई, हम सब बराबर हैं, है ना, इस बात का ख्याल हमें रखने चाहिए और किसी के साथ हमें भेदभाव नहीं करने चाहिए। यह है जो आपका अनुच्छेद 17 कहता है, अस्पृश्यता के आधार पे। आगे जरा देखिए, भारत का संविधान स्पष्टतः प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता, किंतु यह आज़ादी अंतर्निहित है, तो यह है जो आपका अनुच्छेद 19(1) आपका कहता है, कौन आपका स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता या बोलने की जो आज़ादी है। आगे देखिए, भारतीय संविधान में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यह भी आपका अनुच्छेद 19(1) के अंतर्गत ही आता है, आपका अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, स्वतंत्रता के अधिकार के भाग के रूप में बिना हथियार शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होने की स्वतंत्रता के अंतर्गत नहीं आता है। तो घेराव अफसर जो अपना कर्तव्य नहीं निभाते हैं, तो यहाँ पे अभी तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग करने थे, और आपको हमने बताया था कि 19 में आपको 6 प्रकार के क्या दिए गए हैं, स्वतंत्रता दिए गए हैं, जिसके अंतर्गत सबसे पहले प्रेस की स्वतंत्रता होगी, दूसरी सभा करने की बिना शस्त्र के सभा करने की स्वतंत्रता है, उसके बाद है जो पहला क्या बोला, बोलने की स्वतंत्रता, बोलिए, उसके बाद आप सभा कर सकते हैं बिना अस्त्र शस्त्र के, उसके बाद है जो सभा करेंगे तो संगठन आप बनाइए, उसके बाद आप कहीं क्या कर सकते हैं, घूम सकते हैं पूरे अपने संगठन का प्रचार प्रसार के लिए, रिलेट में कर रहा है ना, कि आप घूम सकते हैं, उसके बाद है जो घूमेंगे, उसके बाद है जो फिर क्या होगा, इसके बाद एफ वाला तो ख़त्म कर दिया गया संपत्ति का अधिकार, उसके बाद है जो कहीं आप बस सकते हैं, भारत में कहीं बस सकते हैं, आपका यह 19 का आपका जी हो गया, एफ तो ख़त्म, जी हो गया, और कहीं बसेंगे तो खाएंगे पिएंगे कि नहीं, अब पीने के लिए, खाने पीने के लिए आपको क्या कहीं बिजनेस करना पड़ेगा, तो कहीं भी आप व्यापार कर सकते हैं, इस 6 प्रकार की स्वतंत्रता हमें अनुच्छेद 19 देता है। चलिए आगे जरा देखें, नागरिक की विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है अवांछनीय आलोचना के कारण से, है ना। चलिए, यह है जो विचार की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध, अब देखिए विचार आपके कुछ भी हो, लेकिन ऐसा विचार, अब ऐसा नहीं कि हम किसी को हम गाली बक रहे हैं भाई, है ना, तो यह तो अच्छी चीज़ नहीं ना है, है ना, आपको बोलने का अधिकार दे दिया गया, लेकिन अब क्या इसका मतलब है कि किसी दूसरे का मौलिक अधिकार का तो आप हनन नहीं कर सकते हैं, तो इस बात का भी ख्याल रखने हैं, इसका निगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ता है लोगों पे कि हाँ हमें तो संविधान ने बोलने का अधिकार दे दिया है, कुछ भी बोल देंगे, है ना, तो ऐसा नहीं है, है ना, यह लिमिटेड है, इन चीज़ों का ख्याल भी रखेंगे हम, है ना। व्यक्ति की विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करना, तो विदेश यात्रा यह भी आपका अधिकार है अनुच्छेद 21 के अकॉर्डिंग, अनुच्छेद 21 बड़ा ही शानदार है, निजता का अधिकार आपने सुना होगा, यही 21 है, साथ में जो आपका आधार कार्ड से विभिन्न अकाउंट्स को लिंक करने की बात कही जा रही है, तो इसी के तहत निजता का खतरा बतलाया गया है कि आपका जो प्राइवेसी है वह भंग हो रहा है, अनुच्छेद कितने के तहत, 21 के तहत। आपको और भी अधिकार दिए गए हैं, पर्यावरण का अधिकार है, स्वच्छ हवा लेने का अधिकार है, यदि आपके आस पड़ोस में क्या कोई व्यक्ति है वह कूड़ा फैला रहा है, साथ ही क्या धुआं कर रहा है, इन चीज़ों से आप क्या कर सकते हैं, इसके खिलाफ है जो आप जा सकते हैं, क्योंकि आपके स्वास्थ्य पर क्या प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, तो
या ध्यान रखेंगे यह अनुच्छेद आपका कौन सा है, 21 है, बड़ा आपको बेहतर स्वतंत्रता यह देता है। आगे देखिए 19 का एक का डी को अनुच्छेद 21 से मिलाकर पढ़ने पर प्राप्त होता है एकांतता का अधिकार, है ना, एकांतता का अधिकार। चलिए अकेले रहने का भी आपको क्या है, अधिकार है। आगे जरा देखिए धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधान के अंतर्गत सम्मिलित है, तो धर्म का प्रचार आप कर सकते हैं, धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत है, आप धर्म का प्रचार कीजिए, सिख है तो कृपाण रख सकते हैं, है ना, उसी प्रकार से कोई मतलब जैसे मुहर्रम वगैरह होता है तो उसमें आप तलवार भांजते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। फिर उसके बाद है जो रामनवमी वगैरह होता है तो उस जगह पे भी तलवार निकलता है, तो धर्म की स्वतंत्रता है जो आपको दी गई है, लेकिन ऐसा नहीं कि हाँ दूसरे के धर्म को आप ठेस पहुँचाएं, यह नहीं कहता हमारा। चलिए आगे जरा देखिए राज्यों को समाज सुधारक विधि बनाने का अधिकार, ये सभी अधिकार दिए गए अनुच्छेद 25 के अंतर्गत, यानी 25 से 28 वाले में। आगे देखिए संविधान का अनुच्छेद जो 25 है जिसके अंतर्गत आप कोई भी धर्म को क्या कर सकते हैं, अपना सकते हैं, है ना, यानी धर्म स्वतंत्र का अधिकार है। और इसके अंतर्गत में सार्वजनिक व्यवस्था, स्वास्थ्य व सदाचार के संदर्भ में यह बातें की गई है। सिखों को कृपाण रखने की धार्मिक स्वतंत्रता देता है अनुच्छेद 25। अनुच्छेद 25 का संबंध है किससे, धार्मिक स्वतंत्रता से यह संबंधित है। चलिए आगे की बात करें, अब देखिए यहाँ पे सुमेलित करने वाली बातें थी जिसके अंतर्गत हमने पहले भी बताया आपको अनुच्छेद 23, यह आपको मानव के दुर्व्यापार एवं बलात्श्रम से संबंधित है। उसके बाद कारखानों में 14 से कम उम्र के बच्चे को यदि आप काम करवाते हैं तो वह बाल श्रम कहलाएगा, है ना। अब तो नई शिक्षा नीति आएगी, समझिए कि वह उसे 18 कर दिया जाएगा। चलिए आगे जरा देखिए उसमें भी संशोधन होएगी। आगे देखिए अनुच्छेद 26 जो कि धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता वाली बात है, फिर वही है मानव के दुर्व्यापार व बलात्श्रम अनुच्छेद आपका 23, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29, और अभी हमने देखा संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। और इसी अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय रीट जारी करता है, 5 प्रकार के रीट होते हैं जो कि कौन कौन है, बंदी प्रत्याचीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। चलिए आगे जरा देखिए यह क्वेश्चन आपका बीपीएससी ने पूछा हुआ है, लेकिन इसके उपभेद को पूछा था, यानी उप अनुच्छेद को पूछा हुआ है। अल्पसंख्यक को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं को स्थापित करने, संचालित करने का अधिकार दिया है, आपका अनुच्छेद कितना के तहत, 30 के तहत। आगे देखिए तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रदत्त किए जाते हैं, यानी इसी का यूज कर करके सर्वोच्च न्यायालय क्या करता है, मौलिक अधिकार को मीन्स लागू करता है, कह सकेंगे इसका संरक्षण करता है। आगे देखिए इस जगह पे भारतीय संविधान के अनुच्छेद हैं और इधर प्रावधान दिए गए हैं। अनुच्छेद 16 का 2 कहता है क्या कि किसी भी व्यक्ति के साथ उसके वंश, धर्म अथवा जाति के आधार पर सार्वजनिक नियुक्ति, यहाँ देखिएगा नियुक्ति वाली बात है ना, यहाँ पे जॉब देने वाली बात है, इसके आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। जबकि 15 है जो ऐसे समान रूपों में आप किसी से आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं, 16 में है नियुक्ति में भेदभाव नहीं किया जाएगा और 15 में है सामाजिक भेदभाव नहीं किया जा सकेगा। अनुच्छेद 29 का 2, तो अनुच्छेद 29 का 2 आपका किसी भी नागरिक को धर्म, वंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी भी आधार पर राज द्वारा पोषित अथवा राज से सहायता प्राप्त करने वाले किसी भी शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश से वंचित नहीं किया जा सकेगा। तो देखिए 30 जो है आपका किससे है, अल्पसंख्यक से संबंधित था, है ना। 30 जो है अनुच्छेद 30 जो है आपका किससे है, अल्पसंख्यकों के लिए अपने मनपसंद शिक्षण संस्थाओं को स्थापित करने और उसे संचालित करने का अधिकार दिया गया। जबकि 29 के तहत क्या है, 29 के तहत है क्या कि किसी भी शैक्षणिक संस्थान में आपको प्रवेश से वंचित नहीं किया जा सकेगा। जैसे आपने सुना होगा BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, तो ऐसा नहीं है कि यहाँ केवल इसमें हिंदू पढ़ेंगे, है ना, मुस्लिम भी पढ़ सकेंगे और पढ़ते भी हैं। और साथ ही अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी आपने सुना होगा AMU, तो कहने का मतलब है कि ऐसा नहीं कि केवल इसमें मुस्लिम पढ़ेंगे, है ना, इसमें हिंदू भी पढ़ते हैं, है ना। हाँ यह जनरली होता यह है कि जहाँ पे जिसके नाम पे होता है तो उसमें संख्या उनकी अधिक होती है, लेकिन पढ़ कोई भी सकता है, यह अनुच्छेद 29 के 2 के तहत क्या है, आपका अधिकार है। और यही क्वेश्चन पूछा था दोस्त 30 का 1 वाला, सभी अल्पसंख्यकों को चाहे वह धर्म के आधार पे हो या भाषा के आधार पे हो, अपनी पसंद की शैक्षणिक संस्था स्थापित करने और उन्हें संचालित करने का अधिकार है, तो अंदर वाली बात यहाँ पे पूछ दी गई थी जो कि 30 में डायरेक्ट लिखा हुआ था ऊपर में। अनुच्छेद 31 का 1 है, किसी व्यक्ति को आपका क्या कानून के प्राधिकार के सिवाय उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा, है ना, यह अनुच्छेद 31 के 1 में यह बातें कही गई है। और मौलिक अधिकारों का संरक्षक है कौन, न्यायपालिका, और इस न्यायपालिका के अंतर्गत या तो सुप्रीम कोर्ट होगा अनुच्छेद 32 के तहत करेगा, और अनुच्छेद 226 के तहत कौन करता है, हाई कोर्ट, यह आपका मौलिक अधिकारों का संरक्षण करता है। अब देखिए यहाँ पे कथन है जो कि केम मुंशी,
के मुंशी के संदर्भ में कुछ बातें कही गई है। के मुंशी संविधान का प्रारूप बनाने वाली समिति के सदस्य, आपको पता भी होगा प्रारूप समिति के कौन, यह तो आपके सदस्य हैं के मुंशी, साथ में से। आगे जरा देखिए, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकार किया गया था, वही तो, कब किया गया था, 29 नवंबर, पिछली वीडियो में भी हमने चर्चा किया था, 26 नवंबर, 26 नवंबर 1949 को। और बलवंत राय मेहता समिति ने आपका रिपोर्ट प्रस्तुत किया था, कब किया था, तो आपका 1957 में, यानी रिपोर्ट रिपोर्ट प्रस्तुत 1959 में करेगा ना, इनकी गठन हुई थी, सॉरी ठीक है, 1957 में आपका इस ने आपका क्या रिपोर्ट की संतुति दे दी थी। और 77 में आपका आ जाएगा तो कौन आ जाएगा, अशोक मेहता समिति। तो खैर यह स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन थे, लेकिन यहाँ पे पता नहीं इसको किस कारण से इस जगह पे डाल दिया इसने। खैर यह मौलिक अधिकार से अलग क्वेश्चन थे। आगे देखिए, नागरिकों को मौलिक अधिकार का रक्षक तथा भारतीय संविधान का अभिभावक कहा जाता है, सही बात है, मौलिक अधिकार का रक्षक और भारत के संविधान का अभिभावक कहा जाता है, किसको किसको कहा जाता है, यानी हमारा जो मौलिक अधिकार है और संविधान का जो अभिभावक है वह कौन है, उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट है। भीमराव अम्बेडकर के द्वारा भारतीय संविधान यानी द्वारा संविधान की आत्मा किसे कहा गया है, अनुच्छेद 32 है ना। हमसे एक बार क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया गया कि बतलाओ कि अनुच्छेद 32 क्या है, तो हमने बोला कि सर यह है जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। तो किसने, मतलब भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के कौन से मीन्स आर्टिकल को है जो आत्मा का है, हमने बताया कि 32 को। तो उन्होंने यह क्वेश्चन पूछा कि आखिर इसी को क्यों उन्होंने, इसी को यानी संविधान का आत्मा क्यों कहा, तो इस जगह पे मैं फंस गया भाई, है ना, कि अब क्या हम बोलें, तो थोड़ा हम लंबा फेंकने लगे। तो फिर सर ने हमें डायरेक्ट क्या बताया कि देखो तुम्हें यह सीधा सीधे बोलने चाहिए, क्या बोलने चाहिए, कि इससे हमारे मौलिक अधिकारों की क्या होती है, रक्षा होती है, यही कारण से इसे संविधान का क्या कहा जाता है दोस्तों, आत्मा कहा जाता है। आगे देखिए, संविधान के अनुच्छेद 32 को अंबेडकर ने आत्मा कहा था, है ना, और इसी के तहत अब कारण दे दिया गया, इस जगह पे कारण दे दिया गया, अनुच्छेद 32 है जो मौलिक अधिकारों के अतिक्रमण के विरुद्ध प्रभावी उपचार का प्रावधान करता है, यही वाली बात है जो हमसे पूछी गई थी। आगे देखिए, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय जारी करता है, है ना, तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण, जो 5 प्रकार के रीट है ना वो आपके क्लियर होने चाहिए, है ना, हैबेस कार्पस इसे बोला जाता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसके तहत क्या है कि किसी व्यक्ति को यदि प्रशासन क्या करती है, पकड़ती है, तो 24 घंटे के अंतर्गत क्या किया जाता है, मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है आने जाने वाले समय को छोड़कर करके। आगे देखिए, मौलिक कर्तव्य जो कि यह आपका 42वें संविधान संशोधन में क्या किए गए थे, जोड़े गए थे, देखिएगा मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकार से कंफ्यूज नहीं करने, मौलिक अधिकार भाग 3 में, मौलिक कर्तव्य जो है मूल संविधान का पार्ट नहीं था, इसे 4 के क में जोड़ा गया है आपका 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा स्वर्णासी समिति के सिफारिश पर। अब देखिए, मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है तो केशवानंद भारती केस के तहत, और इसके तहत इंसानों के अनैतिक व्यापार, है ना, आपने सुना होगा कि लोग भी बेचे जाते हैं, या अनुच्छेद 23 के तहत, यही तो है आपका बलात्श्रम। चलिए उसके बाद है जो फिर से अगला, यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उपाधियों का अंत, तो देखिए अस्पृश्यता का अंत 17 और उपाधि कहे तो 18, जिसके तहत आप विभिन्न प्रकार का उपाधि नहीं प्राप्त कर सकते हैं, है ना, और बिना राष्ट्रपति की अनुमति से कहीं से आप प्राइज वगैरह भी नहीं ले सकते हैं, यह सब आपका अनुच्छेद 18, और किसी को प्राइज मिलता भी है तो यह अनुच्छेद 18 के तहत मिलता है, जैसे भारत रत्न किसी को मिला, है ना, पद्म विभूषण मिला, पद्मश्री मिलता है, ये सभी के सभी मिलेंगे तो अनुच्छेद 18 के तहत। धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता, यह प्रबंध कहे तो 26, है ना, और धर्म अपनाने की स्वतंत्रता, कृपाण वगैरह रखने की स्वतंत्रता, यह 25 में है। अल्पसंख्यक की भाषा का संरक्षण, अनुच्छेद 29 हो गया। शिक्षा का अधिकार, यह अब क्या हो गया है, मौलिक अधिकार है, शिक्षा का अधिकार आपका मौलिक अधिकार है, यानी राइट टू एजुकेशन, RTE इसके लिए आया हुआ है। आगे जरा देखिए, संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार केशवानंद भारती ने दिया, यानी यही बाद ने दिया। उसके बाद है जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की मूल संरचना सिद्धांत का प्रतिपादन वही किया था, कौन, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य ने, है ना, इसी के तहत कहा गया कि कोई भी संशोधन कीजिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मौलिक अधिकार एवं मूल ढांचा में कोई परिवर्तन नहीं होने चाहिए। आगे जरा देखिए, संपत्ति का अधिकार
अब पहले मौलिक अधिकार थे, अब कैसे अधिकार हैं, कानूनी अधिकार हैं, है ना। और इसे कब किया गया था, आपका 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसे क्या कर दिया गया था, हटा दिया गया था और कानूनी अधिकार बना दिया गया था। वही तो क्वेश्चन आ गया है, संपत्ति के मूल अधिकार का लोप किया गया 44वां संविधान संशोधन 1978। वर्तमान समय में संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार है, यह वैधानिक विधि या कानूनिक अधिकार यह है। चलिए आगे जरा हम देखते हैं, और आगे हमारे पास बातें हैं। भारतीय संविधान प्रदान नहीं करता है समान आवास का अधिकार, है सबको समान अधिकार, है ना, नहीं। उसके बाद है जो आगे देखिए, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार जिन 5 अनुच्छेदों के द्वारा कृत है, तो यह कौन, 14 से आपका 18, पहला ही तो बात किए थे 14 से 18, 19 से 22, 23, 24, फिर 25 से 28 और फिर 29, 30 और 32 किया था चर्चा। भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया है सूचना का अधिकार, यह आपका मौलिक अधिकार नहीं है। आगे जरा देखिए, सभी व्यक्तियों को प्राप्त है विधि के समक्ष विधि के समान संरक्षण का अधिकार अनुच्छेद 14 के अंतर्गत। भारत में रहने वाला ब्रिटिश क्या नहीं दावा कर सकता है, तो व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता, व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता उसे नहीं मिल सकेगा। सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है, तो आपको आवास का अधिकार है लेकिन समान आवास का अधिकार नहीं। विदेश यात्रा का अधिकार है अनुच्छेद 21 के तहत अधिकार है। किसी को राष्ट्रगीत गाने के लिए बात नहीं किया जा सकता है, क्योंकि स्वतंत्र है, किसका, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, और इसके तहत किसी से ज़बरदस्ती करवाएंगे तो यह अनुच्छेद 19 का क्या होगा, उल्लंघन होगा। इसके अंतःकरण मतलब आंतरिक आत्मा वाली बात हो जा रही है। धर्म के अबाध रूप से आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता का अधिकार का उल्लंघन होगा। और राष्ट्रगीत गाने से किसी को बाध करने वाला कोई व्यक्ति, कोई विधिक उपबंध है ही नहीं, है ना। राष्ट्रगान गाना यह आपका मौलिक कर्तव्य है, कर्तव्य कहने का मतलब समझ ही रहे हैं, ड्यूटी, यह आपका कर्तव्य है कि आप यह करें, लेकिन नहीं करते हैं तो भी मीन्स कोई दिक्कत नहीं है। यह एक प्रकार का नैतिकता बतलाता है कि आप इस चीज़ के प्रति कितने बेहतर हैं, है ना। तो जैसे हम राष्ट्रगान का सम्मान कर रहे हैं, राष्ट्रीय गीत राष्ट्रध्वज का सम्मान कर रहे हैं, इसका मतलब है कि हम अपने एकदम दिल से अपने देश के प्रति लगे हुए हैं। जैसे हमारा माता पिता, हमारा क्या है, कर्तव्य है कि माता पिता की क्या करें, सेवा करें, लेकिन नहीं करते हैं तो क्या कोई ज़बरदस्ती करवाएगा, नहीं करवा सकता है ना, वो उनका क्या है, कर्तव्य हो गया, यानी बाल बच्चों का यह कर्तव्य है। आगे जरा देखिए, और सेवन तो यहाँ पे यह बातें हैं कि अब मान लिया कि राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान नहीं कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अपमान नहीं कीजिए, बस यही बातें हैं जो हमारा संविधान यह कहता है। विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है। आगे देखिए, केवल भारतीयों को उपलब्ध है तो भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, है ना। देश भर में स्वतंत्र भ्रमण की स्वतंत्रता और चुनाव लड़ने का अधिकार, चुनाव कोई विदेशी थोड़ी ना करके लड़ सकेगा, भारत का वह नागरिक होना चाहिए। आगे देखिए, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त वह अधिकार है जो गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है, यह संवैधानिक निराकरण का अधिकार है। आगे जरा देखिए, अगला है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को जिन अनुच्छेद के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय के समान कार्य के लिए समान वेतन एवं मौलिक अधिकार परिभाषित करने में की शक्ति, यह अनुच्छेद 14 एवं कौन सा है, 16। आगे जरा देखिए, लोक नियोजन के विषय में सभी नागरिकों को अवसर की समता, यह अनुच्छेद 16 का 1 और 16 का कौन देता है, 2। भारतीय संविधान मान्यता देता है तो धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को, अब यह तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग करने वाले आंसर क्वेश्चन थे। 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच स्कूली बच्चे को शिक्षा का अधिकार है, आपका आपका 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत दे दिया गया था कि अब एक मौलिक अधिकार यह है। आगे देखिए, भारतीय संविधान में संशोधन कर करके शिक्षा के अधिकार को जोड़ा गया है ना, तो शिक्षा का अधिकार है ना, शिक्षा का अधिकार इस चीज़ को 1 अप्रैल यानी राइट टू एजुकेशन लाया गया आपका ना, तो राइट टू एजुकेशन 2010 से यह आपका क्या है, लागू है दोस्तों, है ना, यह है जो, हाँ, 2010 से यह चीज़ें हैं जो क्या है, लागू है, लेकिन लाया गया था 86 में संविधान संशोधन के था, सॉरी वह है जो आपका मौलिक कर्तव्य था, सॉरी फॉर डैट, हाँ वह मौलिक कर्तव्य था जो कि हमने 2002 में बोला, 86 में संविधान संशोधन के तहत 2002 वह आपका क्या था, मौलिक कर्तव्य वाली बात है ना, दे भी सकते हैं शिक्षा, नहीं भी दे सकते हैं, लेकिन 2010 में क्या कर दिया गया, मौलिक अधिकार देना अब अनिवार्य है, बच्चा का वह क्या है, हक है। आगे जरा देखिए, राज 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चे को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा, यह सही बात है, अनुच्छेद 21 हो गया। एक प्रजातांत्रिक समाज में शिक्षा का अधिकार मानव अधिकार के रूप में विकास के अधिकार के लिए अपरिहार्य है, यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पे विकास के अधिकार के लिए शिक्षा होना क्या है, जरूरी है, यानी बातें सही है। आगे जरा देखिए, वह अधिकार जो राष्ट्रीय आपात
काल में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता है, तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता एवं जीने का अधिकार है ना, यह है जो आपका क्या होगा, खत्म नहीं होगा। आगे जरा देखिए, अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द सम्मित नहीं करता है यह पारसियों को, है ना, यानी सम्मिलित, यानी यहाँ पे यह ऑप्शन के अकॉर्डिंग करने वाले थे कि क्या क्या ऑप्शन है। आगे जरा देखिए, आगे की बातें हैं कि भारत के किसी भी धर्म समुदाय संप्रदाय समुदाय यदि राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यक वर्ग का दर्जा दिया जाता है तो वह विशेष लाभ का हकदार होगा, है ना, और विशेष लाभ का अधिकार मतलब मिलता भी है लोगों को संप्रदाय समुदाय वैशेषिक शिक्षण संस्थानों में की स्थापना की भी बात करी जाती है अनुच्छेद आपका 30 के तहत। साथ ही 15 पॉइंट रोस्टर वगैरह की भी बात आपने सुना ही होगा। आगे जरा देखिए, किसी भी अपराध के अभियुक्त को स्वयं या अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बात नहीं किया जा सकता है, आपका अनुच्छेद क्या है, 20। यही है दो सिद्धि के संदर्भ में संरक्षण, एक अपराध के लिए एक सजा, यह अनुच्छेद आपका 20 में ही है। चलिए आगे आ ही गया, दो सिद्धि के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड नहीं दिया जा सकेगा, यानी एक अपराध है एक ही सजा दिया जाएगा अनुच्छेद 20 के तहत। साथ ही जो दंड के समय यानी जो क्राइम के समय जो भी प्रावधान है वही दंड दिया जाएगा, ना कि उसके पहले वाला और ना ही कि उसके बाद वाला। आगे जरा देखिए, नहीं तो क्या होगा कि यदि कोई बाद में मतलब कोई क्राइम किया अब उस समय जो कानून है तो क्या करेगा, मान लीजिए कि कोई ऊंचे पद का व्यक्ति पकड़ा गया तो क्या करेगा, आगे संशोधन कर करके कानून हल्का कर देगा, छूट जाएगा। अच्छा, कोई हो सकता है कि किसी का दुश्मन हो और कानून बनाने का मतलब उसके हाथ में हो तो उसके लिए कड़ा कानून लगा देगा, तो ऐसा नहीं है हमारा संविधान, इन सभी चीज़ों काफ़ी परिपूर्ण है। आगे देखिए, विधि के समक्ष सम्यक प्रक्रिया आपका अनुच्छेद 21 है। बंदी गए बनाए गए व्यक्ति का मौलिक अधिकार या आपका अनुच्छेद 22 के संदर्भ में बात है। प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत किसी व्यक्ति पर बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाया जा सकता है 3 माह के लिए। वह प्रलेख जिसे व्यक्ति की स्वतंत्रता का महानतम रक्षक माना जाता है कौन है, बंदी प्रत्यक्षीकरण नीति के तहत 24 घंटे के अंदर जज के समक्ष पेश करना होता है। आगे जरा देखिए, बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद में पारित किया था। आगे जरा देखिए, बंधुआ मजदूर मतलब समझते ही होंगे वैसा मजदूर जिसे दिन भर काम करवाइए और रात को है जो भेज दीजिए घर पे कि अब जाओ, है ना, तुम्हारा काम हो गया, है ना, यानी कहने का मतलब मजदूरी नहीं देना, यही है समझिए। कि जोखिम भरे उद्योगों में बाल श्रम उपयोग निषेध किया गया है, तो यह है जो आपका भारत के संविधान द्वारा, और ये तो सही है बाल श्रम की बात करते हैं 24 कहता ही। साथ ही सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर निर्णय भी दिया था 10 दिसंबर 1996 को, संयुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा भी यह बातें कही गई है। आगे देखिए, इस जगह पे हमें पूर्ति करना है क्या कि अधिकार बिना कर्तव्य उसी प्रकार है जैसे मनुष्य बिना परछाई। आप समझ सकते हैं कि क्या मनुष्य बिना परछाई का हो सकेगा, नहीं हो सकेगा, उसी प्रकार से है। यहाँ पे कहा गया है कि अधिकार बिना कोई कर्तव्य के उसी प्रकार हैं जिस प्रकार से मनुष्य बिना क्या परछाई को, यानी कहने का मतलब है समझ पा रहे होंगे इस प्रकार से इन चीज़ों को। अब देखिए, थोड़ी वीडियो ज़्यादा मतलब लंबी हो जाएगी, इसलिए अगली वीडियो में हम करेंगे राज के नीति निरसक तत्व को। तो